नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का एमएस राजपूत इंटर कॉलेज है, जहां पर मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है सिविल डिफेंस द्वारा, और सारे सिविल डिफेंस के वार्डन स्वयंसेवक आप देख रहे होंगे अपनी तैयारी करते हुए मॉक ड्रिल की, जो पूरे टीम की कमान को संभाले हुए हैं खुद सिविल डिफेंस के मुखिया उपनियंत्रक श्री मुनेश कुमार गुप्ता जी, साथ में चीफ वार्डन बालकृष्ण श्री बालकृष्ण कुशवा जी, साथ में डिवीजनल वार्डन कोतवाली प्रभाग श्री विनय सजरिया जी, पोस्ट वार्डन सी एस शरण चतुर्वेदी जी, श्री किल्पन अतुल किल्पन जी सॉरी, पोस्ट वार्डन पीयूष शर्मा जी, श्री अंबिका प्रसाद डिवीजनल वार्डन प्रभारी नगरा प्रभाग, भूपेन खत्री जी, कालका जी, राजेश जी, लतेश जी, फैजान जी, पुष्पा, नीता, नीलम पाल, शिवानी सक्सेना, सारे वार्डन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सारी तैयारी चल रही है मॉक ड्रिल की। इसके बाद यहाँ पर एक संगीत का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे संगीत के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जब कोई आपदा आती है देश में तो किस प्रकार से आग बुझाई जाती है, जो बम फेंके जाते हैं दुश्मन के द्वारा, उनको कैसे कभी अचानक दुश्मन हमला कर दे, तो किस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा करना है और अपने आप की रक्षा करना है, उसके लिए मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है सिविल डिफेंस द्वारा एमएस राजपूत इंटर कॉलेज झांसी में। और कार्यालय सिविल डिफेंस के मुखिया श्री मुनेश कुमार गुप्ता जी के आदेश अनुसार आज की जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विनय सजरिया जी, टीम की कमाल संभाले हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि आपदा आने पर जैसे साइलेंसर हॉर्न जो लगाए जाते हैं वो बज गया है और घायल हो गए हैं लोग बाग। कमांडर को फोन किया और कमांडर जो है चक्का वार्डन हमारे कमांडर रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पोस्ट में सेक्टर में जो है बम गिरा हुआ है,
दुश्मनों के द्वारा बम गिराया गया और ये आग लगी हुई है और फायर की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये बी क्लास की आग, पेट्रोल की आग लगी हुई है। यहाँ पर कुछ पेट्रोल रखा हुआ था, वहां पर बम के द्वारा धमाका हुआ और ये आग जो है यहाँ पे पाई गई है। फायर की टीम ने कमांडर से दिशा दिशा निर्देश दिया और देखिए किस तरह से हमारी हमारे फायर फाइटर हैं उस किस तरह से बी क्लास की फायर को बी क्लास की फायर को किस तरह से कंबल के द्वारा देखिए यहाँ पे भुला दिया गया है। आपको देखिए आपके लिए जैसे ईंधन ताप और ऑक्सीजन तीन चीजों जरूरत होती है, उसमें से एक चीज को हम लोग हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है रोक दिया गया तो ये जो है आग उन्होंने कमांडर को रिपोर्ट दी अपनी फसले की टीम आई, कमांडर ने उनको दिशा निर्देश दिया, कमांडर को गाइड कर रहे हैं कि जो है किस तरह से कैजुअलिटी ग्राउंड में कम से कम 4-5 कैजुअलिटी पड़ी हुई है और हमारी सेक्रेटरी की टीम जाके हर कैजुअलिटी को देख रही है। अरे रेस्क्यू टीम कुत्ते को भगा के भाग गया, भगा उसको धीरे से जाके ले जाओ। देखिए ये जो है ये मीडिया के कैजुअलिटी की तरह सोच कर था और शिवांगी के द्वारा वही ले आना बेटा। और बनाओ कर के द्वारा क्या हुआ? अरे ब्लैंकेट लेफ्ट क्यों नहीं बनाती हो कुसुम? देखिए हमारे सेक्रेटरी जो है जो कुछ वहाँ पे मिला उनको उस समय और एक छोटा सा कंबल के द्वारा कैजुअलिटी को उठा के ले आ रहे हैं। बनाया और ये हमारे चारों ऑफिसर ने आपस में आपको बोलो कैजुअलिटी क्लॉथ लिफ्ट, क्लॉथ लिफ्ट करनी है। पहले सब बैठ गए धीके, चार लोग लगाओ बैरियर सीधे करो ना, कपड़े पकड़ो उनके कपड़े खूब सीखी थी चारों मजबूत ऐसे बहुत बढ़िया दो कैजुअलिटी और पड़ी हुई है और अरे वो लड़की सीपीआर वाली कहाँ जाओ बंदना रही है कि उसको क्या हुआ है। उसने देखा कि बिल्कुल वेरी गुड, उतार दो ऐसे नहीं उतार, ऐसे उतारते हैं डड़ा एक ही बार में। कपड़ों को ढीला दिया और ये बनावटी सा सीपीआर कुछ ही फंसी तो नहीं है, पर्स जो बताया था
जेब वगैरह पर्स वगैरह है, बेल्ट वगैरह है, बटन वगैरह इन सबको डीलर किया जाता है। कितनी सुंदरता से देखिए आप जो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी सिलो हमारी कस्टेडर सेक्टर वार्ड वंदना पांडे कैजुअलिटी को जो है, ये देखो चूड़ियां निकाली बहुत बढ़िया। आप ये देखिए कितना प्रकोशन लिया जा रहा है, जो गहने वगैरह पहने थे चूड़ियां पहने थे उनको उतारा। और अब ये देखिए सीपीआर जो है, सांस उठ जाती है, सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है जिससे सांस वापस आ जाए, दोनों पैर बंद रहे, कैजुअलिटी के साथ वापस आ जाए। दोनों हथेलियों को मिला के किस तरह से सीपीआर दिया जाता है। और अब देखिए कृत्रिम सांस, उनके रुमाल से उन्होंने कपड़े से पहले उनके और साफ किए। और आराम आराम, कोई दिक्कत नहीं, आराम बहुत सही कर रहे, कुछ सांस नहीं पहले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ सांस नहीं। और फिर देखो कृत्रिम सांस, तुम थोड़ा पेट वो उठा दिया करो ऐसे सांस करो। सीपीआर दी जा रही है, देखिए गुड गुड, ऐसे ही वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए भी घायल हुआ है हमारा सेक्टर वार्ड जो नीलम पाल, सब काम कर रहे थे, अच्छे तो हुई है। अरे मैं पढ़ रहा हूँ यार, थकान हो गई धुएं की वजह से भी, रखो सिर के पास रख दो, रख दो रख दो, नहीं रख दो। अब चार लोग सिर के द्वारा, चार महीने में लॉस पर कोई नहीं, कोई बात नहीं, सही चला, चार लोग आ, चार जब लोग आए ना जानते हैं, जो जानते हैं वो आए। अब धीमे से उठाओ और स्ट्रेचर यहाँ से लगा दो नीचे साइड में, ले ले उठा के इनको घुटने पर रखो, उठा के अपने घुटने पर रखो, उठाओ इनको घुटने पर रखो, सीधे खड़े हो पहले, यहाँ बिल्कुल उठाओ, उठाओ तो पहले, अब बोलो उठा लिया ना, अब साइड मार्च बताया था, साइड से चल के जाओ ऐसे ऐसे, चलो जाओ आगे तो है। और हमारे कमांडर निर्देश दिया हुआ है कि जो है वो अभी जाकर वापस चेक करेगा धुएं वाला कमरे में कोई कैजुअलिटी तो नहीं है। अक्सर क्या होता है, धुआं ऊपर होता है, धुआं घुसता है अंदर, ये कैजुअलिटी सब पर पाई गई है। एक कैजुअलिटी सब पर पाई गई है, कैजुअलिटी ऊपर ये वीडियो बना दौड़ के जाती हुई, एक कैजुअलिटी सब पर पाई गई है। लाइट बेच दी है ऊपर से वो लगा दो, अभी जब बस हम लोग इधर ही धीमे से थोड़ा पीछे हटो ना, हम लोग थोड़ा पीछे रहते अब हाथ बांध लेना, आपको दिख नहीं रहा कुछ भी क्योंकि धुआं है, इसकी गांठ लगाना नहीं गले में डालो भूल जाए, उल्टा क्या है, और धीरे धीरे करके बीच में रुक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सांस फूल जाती है, ज्यादा लाएंगे चलो बस ठीक है ठीक है, इसके बाद होगा, पहले ये करा ले हिसाब से।
जो यार कैसे हो जा रहा है, आने दो आने दो, बोल ले लो हरी का साहब नहीं आ रहे भाई, हरी कहां से आएगी, चले 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 अब इससे चलाओ, देख चले ऐसे चल लो, लेट तो करो आज थोड़ा नजर आ रहा हो, नजर आ एक गले में लगभग लगभग जहाँ तक है, एक गले में सिक्का फंस गया, ये बार बार ये तो कार की जिम्मा रख लो ना तुम, कैजुअल हमारी बम धमाके के दौरान किसी ने जो है धोखे सिक्का उठा लिया बच्चे ने, और अब देखिए आप किस तरह से हमारी पटेरे की टीम का सदस्य सिक्का निकाल रहा है, देखिए प्रयास सिक्का निकाल रहा है, नीचे कराओ ना, हां नीचे आज पेट भी कुछ करना पड़ता है साथ साथ, सिक्का तो भाई कोई बाहर सिक्का है निकल गया, निकल गया पत्थर डाले दे दे यार, ले 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 कहां से दबाना, रिपोर्ट कर दी है कमांडर को, ऑल थिंग्स आर क्लियर, सब कैजुअल्टी को जो है पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचा दिया गया है और सब कुछ क्लियर हो गया, अब छोटी आग लगी थी बुझा दी गई है, आज मुस्लिम द्वारा अकस्मात एयर स्ट्राइक की गई, हमला किया गया जिसमें कुछ आग जनी हुई और 8 कैजुअल्टी पाई गई, जिसको वहाँ पर हमारे पोस्ट वार्डन जमाल जी पहुँचे, उन्होंने तुरंत मुझे रिपोर्ट किया, फायर की टीम है साथ ही स्पेशल सारी टीमों को बुलाया गया और 8 or 7 कैजुअल्टीज को रिकवर किया गया, इसी दरमियान पता चला कि एक कमरे में आग भी लगी हुई है, तो कमरे में हमारा एक फायर फाइटर गया और उसने उसको भी रिकवर कर लिया है, तो नाउ ऑल राइट, बहुत अच्छा ऑपरेशन किया आप लोगों ने, हम CCTV में देख भी रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पब्लिक जा रही थी, एक बार आप लोगों ने पब्लिक को भी रोका, ओवरऑल बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, सभी को बहुत पब्लिक के बीच में थोड़ी दिक्कत भी रही।